अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फिफ्थ क्लास में इंग्लिश की बुक का चैप्टर द मैन हु स्वेलोड ए स्नेक की एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने लैंग्वेज वर्क इसका सारा कंप्लीट किया था, तो आज हमने इसके ग्रामर वर्क स्टार्ट करना था। ग्रामर वर्क में ए पार्ट है आप लोगों का वर्ब्स। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। द वाइज मैन डिसमाउंटेड क्विकली एंड ट्राई टू स्केयर द स्नेक अवे बट टू नो अवेल। यहां पर डिसमाउंटेड और ट्राइड को अंडरलाइन करके है या हाईलाइट करके है। द अंडरलाइन वर्ड्स इन द अबव सेंटेंस आर वर्ब्स। अब यही डिसमाउंट ट्राइड दोनों क्या हैं? वर्ब हैं। दीज वर्ब्स आर रेगुलर वर्ब्स। ये रेगुलर वर्ब्स हैं। ए रेगुलर वर्ब इज ए वर्ब विच हैज ईडी और डी इन पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स। रेगुलर वर्ब वो होती है जिस वर्ब के पीछे ईडी या फिर डी आए, किसमें? पास्ट और पार्टिसिपल फॉर्म्स में। जैसे टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, ईडी पीछे है, यहां पर भी ईडी है पास्ट पार्टिसिपल के पीछे। डांस, डांस्ड, डांस्ड, इन दोनों के पीछे पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों के पीछे डीडी है। से, सेड, सेड, सेड में भी डी आ जाता है और पास्ट पार्टिसिपल सेड में भी डी आ जाता है। तो ये क्या है? रेगुलर वर्ब्स। वेयर एज अदर वर्ब्स विच डू नॉट नीड ईडी और डी फॉर फॉर्मिंग पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स। अब कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनमें डी और ई डी की डी और ई डी की जरूरत नहीं पड़ती है पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में, इनको इरेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। जैसे हो गया कट, 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 पास्ट में भी कट आ रहा है, पास्ट पार्टिसिपल में भी कट आ रहा है। गो, वेंट, गॉन, पास्ट टेंस हो गया वेंट, पास्ट पार्टिसिपल हो गया गॉन। टेल, टोल्ड, टोल्ड, फीड, फेड, फेड, यहां पर इन ये हैं इरेगुलर वर्ब्स। सम वर्ब्स बोथ आर बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। लर्न, लर्नड, लर्नड, लर्न, लर्नड, लर्नड, यहां पर हम लोग इसको लर्न को लर्नड भी लिख सकते हैं और लर्नड भी लिख सकते हैं पास्ट टेंस में और पास्ट पार्टिसिपल में। तो इनको हम लोग रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स दोनों ही कहते हैं। स्पॉयल, स्पॉयल्ड, स्पॉयल्ड, स्पॉयल, स्पॉयल्ड, स्पॉयल्ड, लाइट, लिट, लिट, लाइट, लाइटेड, लाइटेड। तो ये क्या है? रेगुलर भी इनको हम लोग कह सकते हैं, रेगुलर भी कह सकते हैं। नाउ कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, कंसल्ट ए डिक्शनरी इफ नेसेसरी। यहां पर मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी, एक बार मैं बता दिया, मैं उसके बाद में आप लोगों ने इसको याद करके खुद दोबारा से इसको फिल करना है। मैं सिर्फ आप लोगों को बताऊंगी, लिखूंगी नहीं मैं यहां पर। यहां पर प्रेजेंट फॉर्म है, यहां पर है पास्ट फॉर्म, यहां पर है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक। बी वाज बीन, बी की पास्ट फॉर्म सेंटेंस के हिसाब से वाज भी लिख सकते हैं हम लोग और वर्ब भी लिख सकते हैं, मगर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस क्या है। बीट, बीट का क्या आएगा? बैट, 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 सॉरी बिटन, बिटन, बीट, बिटन, बिटन, यहां पर है पास्ट में इन्होंने बैट लिख के रखा हुआ है, तो प्रेजेंट में भी बैट आएगा, पास्ट पार्टिसिपल में भी बैट आएगा, बैट, बैट, बैट। जैसे यहां था कट, 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 ऐसे यहां पर बैट, बैट, बैट। अब यहां पर इन्होंने प्रेजेंट नहीं दे रखा है, पास्ट भी नहीं दे रखा है, तो पास्ट पार्टिसिपल में इन्होंने लिख के रखा हुआ है बॉट। बॉट किसका पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है? बाय का। तो यहां पर आएगा बाय, पास्ट हो गया इसका बॉट,
पास्ट पार्टिसिपल हो गया बॉट। लीन, लीन एक रेगुलर वर्ब भी है और इरेगुलर वर्ब भी है। लीन का पास्ट आ जाएगा लर्नड, क्या आ जाएगा, या लर्नड या फिर आ जाएगा लीन्ड, पास्ट पार्टिसिपल में भी लीन्ड लीन्ड। अब नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल में इन्होंने लिख के दे रखा है स्पेल्ड और स्पेल्ड। स्पेल्ड और स्पेल्ड किसकी पास्ट फॉर्म आती है, स्पेल की, स्पेल स्पेल्ड स्पेल्ड या फिर स्पेल स्पेल्ड स्पेल्ड। नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है चूज प्रेजेंट में ही, तो पास्ट में आ जाएगा चूज चूज चूजन। अब यहां पर जो नेक्स्ट है इन्होंने पास्ट सॉरी प्रेजेंट नहीं दे रखा है, पास्ट भी नहीं दे रखा है, पास्ट पार्टिसिपल दे रखा है डग। डग किसका पास्ट पार्टिसिपल है, डिग का, डिग डग डग। नेक्स्ट है फाइंड, फाइंड का है फाउंड फाउंड। यहां पर प्रेजेंट भी नहीं है, पास्ट भी नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल दे रखा है इन्होंने फॉर गिवन, फॉर गिवन, फॉर गिवन किसका हो गया, फॉर गिव का, फॉर गिव फॉर गिव फॉर गिवन। यहां पर प्रेजेंट नहीं दिया हुआ है तो पास्ट दे रखा है इन्होंने लेड। लेड किसका पास्ट है, ले का, ले लेड लेड। यहां पर सी प्रेजेंट दे के रखा हुआ है तो सी का हो गया सा सीन। नेक्स्ट है सिंक, सैंक संक। यहां पर इन्होंने प्रेजेंट नहीं दे रखा है मगर पास्ट दे रखा है, पास्ट पार्टिसिपल भी नहीं दे रखा है, पास्ट दिया हुआ है इन्होंने स्प्रैंग, स्प्रैंग का प्रेजेंट हो गया स्प्रिंग, स्प्रिंग स्प्रैंग स्प्रंग। यहां पर प्रेजेंट नहीं है, पास्ट है स्टंग, स्टंग का प्रेजेंट है स्टिंग, स्टिंग स्टंग स्टंग। तो यहां पर इन्होंने प्रेजेंट भी नहीं दिया हुआ है, पास्ट भी नहीं दिया हुआ है तो मगर पास्ट पार्टिसिपल दिया हुआ है टेकन, टेक का प्रेजेंट है टुक, पास्ट है टेक, टुक टेक टेकन, टुक टेक टेकन। ये हमने आज ग्रामर वर्क में ए पार्ट इसका कंप्लीट किया है, कल को हम लोग इसका बी पार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।